अगर हम बात करें पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की, तो पाकिस्तान में एक नौजवान जब भी वो कहते हैं पीएचडी या मास्टर लेवल तक पहुंचता है, तो उसकी तरजीह होती है कि वो पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ना ले, वो बाहर की यूनिवर्सिटीज में पढ़े। हम इवेल्युएट कर सकते हैं या वो कौन से लूप होल्स हैं जिनसे हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि किसी भी एजुकेशन सिस्टम में क्या इफेक्टिवनेस, क्या वहां पे स्कूल फैसिलिटीज प्रॉपर है। क्योंकि मेरी नॉलेज के मुताबिक तकरीबन लोग इस्लामाबाद और पिंडी सिर्फ एजुकेशन के लिए आते हैं, क्योंकि उनके वहां पे टीचर्स ही नहीं है। अब बात करें अंग्रेजी की, तो 54% स्टूडेंट्स को इंग्लिश का एक सिंपल सेंटेंस लिखने नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज का मेरा टॉपिक काफ़ी अहम है, क्योंकि ये टॉपिक एक माशरे में किसी भी माशरे की तरक्की और किसी भी मुल्क की खुशहाली के लिए बहुत अहम किरदार देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एजुकेशन सिस्टम की। अगर हम बात करें पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की, तो पाकिस्तान में एक नौजवान जब भी वो कहते हैं पीएचडी या मास्टर लेवल तक पहुंचता है, तो उसकी तरजीह होती है कि वो पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ना ले, वो बाहर की यूनिवर्सिटीज में पढ़े। तो क्या पाकिस्तान का सिस्टम एजुकेशन का कमजोर है? तो आए चले आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान का सिस्टम किस तरीके का है बनिस्बत उसके जो मुल्क के बेहतरीन सिस्टम है। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे हम इवेल्युएट कर सकते हैं, या वो कौन से लूप होल्स हैं जिनसे हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि किसी भी एजुकेशन सिस्टम में क्या इफेक्टिवनेस और कमजोरियां हैं। अगर बात की जाए पाकिस्तान के सिस्टम, तो क्या पाकिस्तान का टीचिंग सिस्टम इस तरीके का है या फैसिलिटीज उस तरीके की हैं? क्या पाकिस्तान में टीचर्स को हायर करने का कोई ऑथेंटिक निजाम है कि किस तरीके से उनकी हायर होती है? क्या पाकिस्तान का सिलेबस, यानी आप समझें जो हमारे मुल्क के अंदर पढ़ाया जाता है स्टार्ट से एंड तक, जो हमारी प्राइमरी सेकेंडरी है, क्या वो आजकल की मॉडर्न कहते हैं ना इवेल्युएशन की तरह, रेवोल्यूशन की तरह, मॉडर्न रेवोल्यूशन के मुताबिक अपडेटेड है? क्या ये बातें सारी मद्देनजर रखी जाती हैं? अगर हम बात करें शॉर्टेज की, तो मैं जैसे भी पहले बता चुका हूं कि मैं इस्लामाबाद में रहता हूं, तो इस्लामाबाद में तकरीबन जो गांव और अतराफ है उसमें सारे वो लोग हैं जो करीब करीब रहते हैं, यानी इस्लामाबाद से हर, अगर बात करें सवात की, बात करें कश्मीर की, बात करें मरी की, इन सब के गांव करीब पड़ते हैं। क्या वहां पे स्कूल फैसिलिटीज प्रॉपर है? क्योंकि मेरी नॉलेज के मुताबिक तकरीबन लोग इस्लामाबाद और पिंडी सिर्फ एजुकेशन के लिए आता है, क्योंकि उनके वहां पे टीचर्स ही नहीं है। अगर स्कूल्स हैं तो टीचर्स नहीं है, और अगर टीचर है तो स्कूल में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो कंज्यूम कर सके और सबको पढ़ा के बराबर कर सके। अब अगर हम बात करें बजट एलोकेशन की, क्या पाकिस्तान में जितना बजट दूसरे मराठ को दिया जाता है उतना बजट एजुकेशन पे लगाया जाता है? आप आए चले आपको बताते हैं चंद स्टेट्स हमारे स्कूल्स के। ये डेटा मैंने प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स का कंबाइन है, और ये फिफ्थ स्टैंडर्ड्स का है कि फिफ्थ स्टैंडर्ड का एक बच्चा जो पढ़ने जाता है उसमें 50% से ज्यादा वो लोग हैं, वो बच्चे हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी जीरो है, यानी स्कूल जाते हैं पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। अब बात करें अंग्रेजी की, तो 54% स्टूडेंट्स को इंग्लिश का एक सिंपल सेंटेंस लिखने नहीं आता। और अगर उर्दू की बात की जाए, तो 48% फिफ्थ स्टैंडर्ड का उर्दू को ना समझ ना लिख सकता है। और मैथमेटिक का डिवीजन का जो टू डिजिट का प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, वो 52% बच्चा है जो नहीं कर सकता। ये है वो क्वालिटी जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं पाकिस्तान की प्राइमरी स्कूल की। हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम में नंबर वन रैंक्ड, यानी आप समझ लें फिनलैंड वो कंट्री है जो नंबर वन रैंक्ड है एजुकेशन सिस्टम में। उसकी क्या वजह है, उन्होंने ऐसी क्या चीजें की जिनकी वजह से वो इस टाइम इस चीज इस इंडस्ट्री को लीड कर रहा है? तो देखिए, ये तो बेसिकली एजुकेशन तो तरबियत की बात है ना, कि आपने टॉर्चर तो करना नहीं है, आपने एक प्रोडक्ट बनानी है जो आपके मुल्क को और अपनी फैमिली को लेके चलने वाली बात। तो आप जो मुझे अच्छी बातें लगी वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि 7 साल तक तो वो लोग स्कूल में ही नहीं लेते बच्चों को। और सेकंड बात की जाए कि इनके यहाँ हर बंदा अपनी स्किल के मुताबिक फील्ड सेलेक्ट करता है, यानी माँ बाप नहीं सिलेक्ट कर सकते फील्ड, यानी बच्चे ने अपनी फील्ड खुद सेलेक्ट करनी। और मजे की बात जो मेरे ख्याल से हमारे मुल्क में भी हो जाए तो मज़ा ही आ जाए, कि वहाँ पे वन एजुकेशन सिस्टम है, यानी ये नहीं है कि गवर्नमेंटल अलग है, प्राइवेट अलग है, प्रोविंशियल अलग है, सिंगल एजुकेशन सिस्टम है, जिसका बेनिफिट ये होता है कि आप समझ लें क्लासेस नहीं है कि अमीर का बच्चा ऐसे पढ़ेगा, गरीब का बच्चा ऐसे पढ़ेगा, उसमें सिमिलैरिटी है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं आती कि आप समझ लें कि इंसान को ये लगे कि अगर सिंगल एजुकेशन सिस्टम, इट मीन्स आप और हर वो बच्चा जो वहाँ से तालीम लेगा बराबर। और लास्ट जो मुझे बेहतरीन लगी है कि वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे बिलीव रखते हैं। प्रैक्टिकल एक्सपोजर क्या है, यानी आप समझ लें उनके स्कूल, अगर मॉडर्न हमारा एरा चल रहा है जिसके अंदर एजुकेशन डिजिटलाइज है, तो वो डिजिटलाइजेशन से पढ़ाते हैं, यानी रिसर्च सेंटर शामिल है। अगर आप मजीद सर्च करें, क्योंकि मेरी वीडियो का एक टाइम है, मैं सारी बातें उसमें कंक्लूड नहीं कर सकता, पर ये वो बातें थी जो मेरे हिसाब से कहते हैं ना, तालीम और तरबियत दोनों मौजूद है ना, वो प्रेशर दे रहे हैं ना स्ट्रेस्ड,
और मजे की बात जिस पे मैं अपनी वीडियो खत्म करूंगा, 75 मिनट का एक ब्रेक होता है उनमें, यानी हमारे स्कूल्स की बात की जाए तो 15 से 20 मिनट होता है, लेकिन ये ताकि बच्चे को एक अच्छा रिलीफ मिले वो अपने ब्रेक ही 75 मिनट का रखता है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।